वेलकम टू माई चैनल। आप लोग में से अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं आप लोग को ये मामा अर्थ उबतन फेस सीरम का रिव्यू दूंगी। और ये फेस सीरम बहुत ही अच्छा है, स्किन में पूरा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है, बहुत ही अच्छा सीरम है मामा अर्थ का उबतन फेस सीरम विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन। और इसमें टर्मरिक है जो कि स्किन में जो डार्क स्पॉट होते हैं उसे रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करता है, और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, टैन को रिमूव करता है। और ये सेफ्रॉन है इसमें जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है और सारे स्किन टाइप के लिए ये सीरम बहुत ही अच्छा है। तो ये है 500 का इसका प्राइस है और 30 ml का ये आता है। इसे आप लोग अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं क्योंकि मैं भी अमेज़ॉन से ख़रीदी हूँ और ये मुझे डिस्काउंट में मिला था तो इसलिए मैं इसे ख़रीदी। और ये मैं अप्लाई भी बहुत बार की हूँ, लगाई हूँ अपने फेस में, बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये ऑयलीनेस नहीं है तो इसलिए बहुत जल्दी भी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप स्किन में इसे अप्लाई करोगे तो स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा ये सीरम। ये बहुत ही अच्छा है और विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन है जो कि स्किन को ब्राइटनिंग भी बनाता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये सीरम। और ये स्किन को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा, बहुत ही नेचुरल है मामा अर्थ का उबतन फेस सीरम। ये 30 ml का है तो मैं अभी जो लोशन लगाए फेस में उसे मैं वॉश करके आती हूँ फेस को, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी ये अप्लाई करके सीरम को अपने फेस पे। ये मैंने फेस को अच्छे से धो दिया है। वैसे तो मैं मेकअप तो नहीं करती हूँ, मैं तभी लोशन लगाई थी तो इसलिए मैंने फेस को धो दिया, क्योंकि फेस सीरम अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से धो देना चाहिए, इसलिए मैंने धो दिया है। और अभी ये सीरम अप्लाई करूँगी और ये सीरम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है ये सीरम, सारे स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है ये। ये बहुत ही नेचुरल है, स्किन को हार्म भी नहीं पहुंचाता है और ये ऑयलीनेस भी नहीं है, और 30 ml का है ये। और इसे मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।